जम्मू वासियों में एक खास खूबी मैंने देखी है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि किसी से उम्मीद किए बिना ही उसका अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं अक्सर उनके हाथों में खुशबू रह जाती है। तो आज हम इस नगरी से जुड़ गए हैं और आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। हम छुड़ाना भी चाहे तो छूटे नहीं, एक जो रिश्ता बन गया है आपसे अब ये आखिरी सांस तक टूटे नहीं, ऐसा मैं मानती हूँ। 10 साल की उम्र में 12th किया, 13 ईयर्स की एज में ग्रेजुएशन करके मैं इंडिया की यंगेस्ट जर्नलिज्म ग्रेजुएट बनी हूँ। 15 साल की उम्र में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन पॉलिटिकल साइंस और जब मैं 16 ईयर्स की थी तब मैंने PhD में अपना नाम एनरोल किया। एशियन चैम्पियन भी हूँ और मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ, जिसे हम एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं, और टाइपिंग में A to Z सिर्फ 2 सेकंड में टाइप कर सकती हूँ। मुझे रामायण की 108 मान का भी कंठस्थ है और मैं एक पियानो प्लेयर और सिंगर भी हूँ। तो यहाँ पर आकर मैंने ये सीखा है कि सत्य को कहने के लिए किसी शब्द की ज़रूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं इरादों पर, अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती। कि विद्यालय हमें सुख और दुख में समान रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि आप हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम जिंदगी में किसी को मत बताना, क्योंकि लोग हद से ज़्यादा खुशी को नज़र और हद से ज़्यादा गम को नमक ज़रूर लगाते हैं। तो विद्या हमें ये सिखाता है कि जिसके नसीब ऊंचे और मस्त होते हैं उनका इम्तिहान भी ज़बरदस्त होता है। इसीलिए हमें बचपन से विद्यालय में बताया जाता है कि माता पिता और गुरु की खिदमत करो, इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। कदर करो माता पिता और गुरु की, भगवान चाहेगा तो जन्नत भी मिलेगी। तो मेरा ये रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेस्पेक्ट टू द मास्टर, इफ यू फॉलो दिस 2 थिंग्स 100% यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि भगवान से माता पिता बड़े होते हैं, क्योंकि भगवान हमें सुख और दुख दोनों देता है, लेकिन माता पिता हमें सिर्फ और सिर्फ सुख देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए फ्रॉम दी स्टूडेंट्स, जोरदार तालियां। मुझे लगता है कि अगर आप अपने मदर को या फादर को लाइक करते हो तो जोर से तालियां बजानी चाहिए, लाउडर। तो आज जो भी मैंने अचीव किया है, मैंने और अगस्त्य ने, इसका क्रेडिट मेरे मदर फादर को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने ठान ली थी कि मुझे और अगस्त्य को एक वंडर गर्ल और गूगल बॉय बनाना है। तो मैं बहुत सिटीज में जाती हूँ, कंट्रीज भी गई, इंटरेक्ट किया बहुत सारे स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, तो वो लोग मुझे पूछते हैं कि अगर मेरा बच्चा भी अगस्त्य जैसा बने, मेरी बेटी भी नैना जैसा बने, तो मैं उनको सिर्फ एक ही आंसर बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे नैना और अगस्त्य जैसा बने, बनना है तो पहले आपको मेरे माता पिता जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माता पिता हमें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें बादशाहों की तरह रखें। मेरे माता पिता कहते हैं कि देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए स्वाभिमान सर्वोत्तम है। इसीलिए आज हम नैना जायसवाल हैं और सफलता का एक ही रहस्य है कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो कोई कहते हैं दोस्ती नशा बन जाती है, कोई कहते हैं दोस्ती सजा बन जाती है,
पर दोस्ती निभाओ सच्चे दिल से, तो यही जीने की वजह बन जाती है। तो आज आप सब दोस्तों के बीच में, इतने सारे दोस्त मुझे मिले तो बहुत मजा आ गया आप सबके बीच में यहाँ पर आकर। तो एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि समय, सेहत और संबंध अनमोल है। समय को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो समय आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, और सेहत को समय अनुसार व्यायाम करते रहो, तकदीर आपकी होगी और आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाओगे। और समाज में अपनों से संबंध इतना मजबूत रखो कि लोग आपकी मिसाल दें और आप सबके आंखों के तारे बनकर जगमगाओगे। इसीलिए मैं कहती हूं कि जो दोस्ती याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बने वो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। और मैं ये भी मानती हूं कि आप सब स्पेशली स्टूडेंट्स केयरफुली सुने कि सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी है मन में वो सपने ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगे मुश्किलें आपको, बस तारीख चुनने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। ये मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ। मैंने अपने हार और जीत में, सुख और दुख में हर पल अपनी माँ को पुकारा है, और मेरे माता पिता ने मुझे सब कुछ हार कर भी जीतना सिखाया है। तो ऐसे माता पिता के घर जन्म लेना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं कि छोटी सी उम्र में मैंने बड़े बड़े काम आसानी से किए हैं, तो इसका मूल कारण भी मेरे माता पिता है। क्योंकि बचपन से वो मुझे बताते हैं कि नारी अपला नहीं आदिशक्ति है, तो वो मुझे कहते थे कि तुम बेटा, तुम अपने आप को बेटी नहीं हमारी जिंदगी समझो, तुम हमारा गौरव हो, समाज का गौरव हो। ऐसे वो मुझे बार बार कहते थे, जिसका फलस्वरूप मैं आज आपके सामने आई हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन कभी दो बार नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजार बार प्रेम और प्रोत्साहन देने वाले माता पिता नहीं मिलते। मुझे लग रहा है तालों की आवाज कम हो रही है। एक और चीज, अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो संगठन स्थापित करो, विशाल हृदय रखो, समय का सदुपयोग करो, कार्य का ध्यान करो और निरंतर प्रयास करो, और फिर देखो वफादारी का दूसरा नाम आपका ही होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। और मेरे माता पिता कहते हैं कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जहां उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान तो आएगा जमीन पर, बस जीत में इरादों की गूंज चाहिए। तो इसी इरादे से मैंने सर जमीने पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, और कसम भारत माता की ऐसा मजा मैंने कभी नहीं पाया। और मैं आप सब से ये अनुरोध करती हूँ कि नित्य अभ्यास और गुरु भक्ति करना, आप कामयाब हो जाओगे। और आज आप इस, आज जो ये हमारे यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया गया है VMC द्वारा, इसमें मुझे सुनने के बाद, अगस्त्य के सुनने के बाद, और मेरे पापा भी आपको बहुत सारे टिप्स और सीक्रेट्स भी बताने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ वंडर किड। तो ये सुनने के बाद आज आप सब एक आपकी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं, तो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ये कहते हुए गर्वित महसूस करती हूँ कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और यहाँ पे मैं लास्ट 1 वीक से हूँ, और इससे पहले भी मैं जम्मू आई थी, तो मुझे यहाँ के लोगों को देखकर पता चला कि
जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसके पास जोश के साथ होश भी है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, वही इस जम्मू शहर का युवा है, ऐसा मैं मानती हूँ। और इस मन से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि दिन बदलेगा, वक्त बदलेगा, तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, जुल्म बढ़ जाता है तब हर चेहरे का नकाब बदलेगा। मत हौसला हारे हिंद के सिपाही, जिस दिन तेरा सोया हुआ इंसान जागेगा उस दिन हिंदुस्तान तो क्या पूरा जहां बदलेगा। और सिटी ऑफ टेंपल्स के नाम से मशहूर और माँ वैष्णो देवी के गोद में जम्मू शहर है, तो ऐसे शहर में आना मैं अपना पुनर्जन्म सुकृत मानती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच, थैंक यू।